हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल को समझते हैं, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल में जिसको, जैसे मान लो दो कैपेसिटर हैं आपके पास, इसको ऐसे समझो, ये दो कैपेसिटर हैं आपके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और ये है बैटरी से कनेक्टेड इधर, और ये वाला है इधर, ठीक है। इनके जो पोटेंशियल हैं, इसको हमने V1 बोल दिया, और इसको V2, और ये है C1 कैपेसिटर, और ये वाला है C2, क्लियर है। जिनकी कैपेसिटेंस हमने बोल दी C1 है और इसकी C2 है, ठीक है। और ये वाली साइड कहाँ कनेक्टेड होती है, अर्थ होती है, इसको हमने अर्थ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो कैपेसिटर लिए जिनकी कैपेसिटेंस है कितनी, C1 और C2, और इनको चार्ज किया बैटरी V1 से C1 वाले को, और बैटरी V2 से C2 वाले को, क्लियर। और बैटरी V1 V2 जो है हमारे पास, इनको हम डिसकनेक्ट करेंगे, या हम कहेंगे इनको हटा देंगे, ठीक है। और फिर इन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। और फिर देखेंगे हम कॉमन पोटेंशियल क्या है। अभी तो ये V1 से हो रहा है चार्ज, और ये V2 से हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, V1 और V2 को हटाएंगे, ठीक है, और इन दो कैपेसिटर्स को इस तरीके से, ये दो कैपेसिटर्स हैं, ये पहले चार्ज हो गए, ठीक है, V1 V2 से, इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब V1 भी हट गया है, V2 भी हट गया है, ठीक है। अब इनको ऐसे रख दिया, तो अब इनका कॉमन पोटेंशियल होगा, जिसको हम V बोल रहे हैं। दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी V1 V2 से, जब चार्ज हो गए ये, तो बैटरी यहाँ हटा दी, उसके बाद इन दो कैपेसिटर्स को क्या किया हमने, कनेक्ट किया। अब देखेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो इस पे मान लो जो चार्ज आया हमारे पास, इस वाले पे V1 बैटरी से जो हुआ चार्ज, तो ये हो गया मान लो Q1, और ये वाला Q2, तो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे है Q2, और ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो जो कॉमन पोटेंशियल है, देखो कॉमन पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, पोटेंशियल V का, देखो V वैसे क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V। अगर V का फॉर्मूला देखें हम, तो ये होगा Q/C। तो यानी कि अगर कॉमन पोटेंशियल की हम बात करें, तो ये आ जाएगा यहाँ टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, देखो आपके पास इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, दोनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है इसमें, C1 और C2, तो C1 प्लस C2 हो गई। तो ये आ गया आपके पास कॉमन पोटेंशियल, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमें इसकी चार्ज की वैल्यू डिफाइन नहीं करी, जो मैंने यहाँ लिखा भी था कि लेट टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2, एंड लेट दीज आर चार्ज्ड बाय बैटरीज हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2, ठीक है। इनको हमने चार्ज किया बैटरी से, जिनके पोटेंशियल है V1 और V2, एंड दीज आर देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टुगेदर। डिसकनेक्ट कर दिया बैटरी से और कनेक्ट कर दिया टुगेदर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया था फिर, ठीक है। तो मैं जो बात करता था कि यहाँ पर हमने चार्ज की वैल्यू नहीं ली थी, हमने कहा गिवन क्या है, C1 C2 है और V1 V2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देखें चार्ज की वैल्यू, C=Q/V है, तो चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, C×V, ठीक है। तो Q1 चार्ज है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 जो चार्ज है, किसकी वजह से आया था, V1 की वजह से, तो कैपेसिटर 1 पे, और देखो यहाँ से देखो, अगर ये Q1 है तो C1V1 हो जाएगा, और Q2 है तो C2V2 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, Q1 की वैल्यू C1V1 प्लस Q2 की C2V2, और अपॉन में क्या आ गया, ये C1 प्लस C2। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल, क्लियर है इतनी बात। कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सी कहानी है। उसके बाद इसका एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है इसमें, कि अगर आप कैपेसिटर 2 को अनचार्ज रखो, फिर कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा। मतलब क्या कह रही है, कि जैसे यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर तो V1 से किया चार्ज, ये वाला V2 से किया, अब ये V2 से ना करो चार्ज, अनचार्ज रखो इसको, V2 है ही नहीं, मान लो ये वाली V2 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, V2 जीरो है, करना वैसे ही है, इसको चार्ज किया, इसको नहीं करना, लेकिन बाद में ये बैटरी हटा के दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब बात तो यही है ना, कि ये तो अनचार्ज्ड ही है ना, तो यहाँ V2 तो जीरो है, समझ रहे हो बात को। तो हम यहाँ स्पेशल केस में यहाँ लिखेंगे इसमें, कि इफ़ कैपेसिटर C2 इज अनचार्ज्ड, देखो ध्यान से, देन तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल, और इसका मतलब ये है यहाँ पर कि V2 जो है ज़ीरो है, बस मतलब यही है। अनचार्ज्ड का मतलब क्या है, कि V2 ज़ीरो है। अब अगर V2 ज़ीरो है, देखो सोचने की बात है, V2 अगर ज़ीरो है तो यहाँ पुट करो, तो ये ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, V2 ज़ीरो है तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया, C2V2 वाला। और वैसे भी सोचो, जब पोटेंशियल ही ज़ीरो है तो उस पर चार्ज ही ज़ीरो होगा, तो यहाँ से भी आप सोच सकते थे Q2 ज़ीरो होगा, समझ रहे हो। जब आपने पोटेंशियल ही नहीं दिया यहाँ, तो Q2 आया ही नहीं होगा, तो Q2 ज़ीरो हो गया होगा। लेकिन अगर आसान सी लैंग्वेज में समझें, तो आप इसको समझ सकते हो कि अनचार्ज है, तो यानी कि पोटेंशियल नहीं दिया होगा, V2 जीरो है, V2 जीरो है, तो डायरेक्ट आप इसको पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो V की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, C1V1, ये जीरो हो गया पूरी टर्म, और अपॉन में C1 प्लस C2। देखो पहली बात तो ये है कि अगर
पोटेंशियल यहाँ जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी टू भी जीरो हो गया, इसकी कैपेसिटी कुछ तो होगी ही ना, ठीक है, वो वैल्यू थोड़ी हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ से आपको समझना है, कहीं आप सोचो कि ये वाला नीचे वाला सी टू भी जीरो करना है, ठीक है, तो नीचे वाला नहीं करना है। अब वी टू जीरो है या क्यू टू जीरो है, एक ही बात कह दो आप, ठीक है। तो आप वी टू का अगर जीरो करते हो तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई, तो सी वन वी वन अपॉन में सी वन प्लस सी टू, तो ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल आएगा। किस केस में, जब सी टू अनचार्ज है। देखो अगर क्यू टू को जीरो करते हो तो बचता क्या, क्यू वन अपॉन में सी वन प्लस सी टू, और क्यू वन की वैल्यू क्या थी, सी वन वी वन, तो सी वन वी वन अपॉन में सी वन प्लस सी टू, उससे भी आ सकता था, समझ रहे हो, आपके समझने की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, कॉमन पोटेंशियल है क्या। उसके बाद बात करते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी की। तो देखो लॉस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना लॉस हुआ, देखो इनिशियल केस क्या है इसमें कि हमने बैटरी उसे कनेक्ट कर रखा है, और फिर जो फाइनल हम कहें वो क्या है हमारा स्टेप, कि हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में जब बैटरियां हटा दी, तो दो केस हो गए हमारे पास, एक बार बैटरियों के साथ और एक बार बैटरियों के बिना, और इनको कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल एनर्जी क्या है। तो देखो इनिशियल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी में भी मतलब क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, तो देखो यहाँ जो फॉर्मूला आपके पास यूज़ होगा वो वही होगा जो हमें पता है, यू इजिकल टू होता है हाफ सी वी स्क्वेयर वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो इस केस के लिए, तो सोचो इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ हाफ सी वन और पोटेंशियल है वी वन, तो वी वन का स्क्वेयर, और इसमें क्या होगी हाफ सी टू वी टू का स्क्वेयर, यही होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की ऐड कर देंगे, दोनों की मिला के हमारे पास कितनी है, हाफ सी वन वी वन का स्क्वेयर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वेयर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैसे लिखी है, दोनों कैपेसिटर के लिए कर दी, ऐड कर दी दोनों पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी कितनी रहनी जाएगी, देखो ये थे हमारे पास, ठीक है। अब अगर इनकी हम बात करें तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया था हमने, तो देखो कैसे, वन बाई टू फॉर्मूला क्या होता है, सी वी स्क्वेयर, सी कितने हैं, दो हैं, तो मैं ऐसे लिख दूँ सी वन प्लस सी टू, दो सी हो गए, और पोटेंशियल इनका कॉमन है वी, तो वी का स्क्वेयर, हाफ सी वी स्क्वेयर एक ही बात होगी लेकिन कनेक्टेड है, तो सी वन प्लस सी टू हो गया, और ये वी स्क्वेयर, हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वेयर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक। अब देखो दोनों पे पोटेंशियल वी था, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वाले पे आ गया हाफ सी वन वी का स्क्वेयर, और इस वाले पे आ गया हाफ सी टू वी का स्क्वेयर, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर ये हाफ सी वन वी स्क्वेयर है, ये हाफ सी टू वी स्क्वेयर है, तो इनको ऐड कर दो, इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इनको हम ऐसे सोचते हैं, यहाँ पर हाफ सी वन वी स्क्वेयर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वेयर, ऐसे सोच लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, वी स्क्वेयर कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ सी वन प्लस सी टू, और ये वी का स्क्वेयर, तो ये वही बात आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा था, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, और ये भी इससे भी कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये वी है, ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, और ये कॉमन पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये वाला कॉमन पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू वहाँ रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर हाफ सी वन प्लस सी टू है ही है, और वी हमें पता है जो हमने अभी निकाला था, ये क्या था, वी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू पूरे का स्क्वेयर आएगा, ठीक है, वी का स्क्वेयर है क्योंकि, तो मैं इसका भी स्क्वेयर कर देता हूँ यहाँ, और इसका भी स्क्वेयर कर देता हूँ, समझ रहे हो, पूरे का भी स्क्वेयर कर सकता था, फिर बाद में मेरे को करना पड़ता ऊपर का स्क्वेयर नीचे का स्क्वेयर, तो मैंने पहले ही लिख दिया ऐसे, क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये वाला जो सी वन प्लस सी टू है, इसके एक सी वन प्लस सी टू की पावर से कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये सी वन प्लस सी टू की स्क्वेयर का मतलब क्या है, सी वन प्लस सी टू सी वन प्लस सी टू, तो एक सी वन प्लस सी टू कट गया, तो देखो बचा क्या हमारे पास, हाफ ये बच गया हमारे पास सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वेयर, ये वी है, ठीक है, वी टू का स्क्वेयर अपॉन में कितना आ रहा है, सी वन प्लस सी टू, सिंगल है, ऊपर स्क्वेयर है नीचे ये सिंगल ही बचा, क्योंकि एक पावर कट गई थी इसकी, क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब देखो ये आ गई हमारे पास फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास लॉस कितना हुआ, देखो यहाँ करते हैं हम ये लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई बताओ, सोचो, देखो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, ये है हमारे पास फाइनल और इनिशियल, ठीक है। तो इसमें केसेस में सोचो, इनिशियल में ज़्यादा एनर्जी है या बाद में, इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, क्यों होगी, सोचो, यहाँ पर देखो बैटरियाँ इनको चार्ज करती जा रही हैं, ठीक है, तो ऐड हो रही हैं बैटरियाँ, क्या कर रही हैं, चार्ज कर रही हैं इनको, ऐड करती जा रही हैं चार्ज को, मतलब चार्ज इसके देती जा रही है, ठीक है, यहाँ स्टोर होता जा रहा है चार्ज, ठीक है। तो जो इनिशियल होगा उस टाइम पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बैटरियाँ लगी हुई हैं,
जब बैटरियां हट जाएंगी, नॉर्मली कनेक्टेड होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और फाइनल में क्या है, कम है। तो जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस होगी फाइनल एनर्जी। ठीक है, कईयों के दिमाग में आता होगा कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी, नहीं, यहाँ क्या होगा, इनिशियल में ज़्यादा है और फाइनल में क्या एनर्जी कम है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्लियर है? अब ये वैल्यूज बस पुट करते हैं यहाँ पर हम, क्लियर है या नहीं? तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं, हाफ सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वेयर माइनस, ये है हमारे पास, देखो ये वाला आ गया ये टर्म, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास फाइनल एनर्जी, ये वाली वन बाई टू, इसको मैं हम ऐसे लिख दें, देखो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, ये है इसका स्क्वेयर, और नीचे क्या है ये सी वन प्लस सी टू। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स लगा दी मैंने इस तरीके से, समझ में आ रहा है, ऊपर का स्क्वेयर है नीचे का स्क्वेयर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप कंसेप्ट को सोचो तो क्या इसमें से मैं वन बाई टू कॉमन ले लूँ, अब पूरा मैथमेटिकल काम है ये ध्यान से समझने का है। ठीक है, देखो वन बाई टू कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, वन बाई टू कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पूरे में से वन बाई टू ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, सी वन वी वन का स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू का स्क्वेयर माइनस, और ये वाला देखो टर्म यहाँ से हाफ बाहर चला गया था ये, तो ये बचा हमारे पास, ये क्या टर्म है हमारे पास, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वेयर अपॉन में क्या है, सी वन प्लस सी टू, इस तरीके से हम लिख देंगे। बताओ आ रहा है समझ में? ठीक है, अब क्या करो एलसीएम लो, देखो एलसीएम लेते हैं यहाँ, ये एलसीएम ले लिया मैंने सी वन प्लस सी टू, इधर वन है और ये सी वन प्लस सी टू, और ये वन बाई टू तो यहाँ कॉमन चल ही रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो यहाँ इधर क्या है, वन है, तो ये सी वन प्लस सी टू वन से डिवाइड होगा तो सी वन प्लस सी टू ही आएगा जैसे हम एलसीएम में करते हैं, और ये सी वन प्लस सी टू फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो देखो कैसे लिखेंगे हम सी वन प्लस सी टू, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो सी वन वी वन का स्क्वेयर, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा किससे, सी वन प्लस सी टू से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सी वन प्लस सी टू, ठीक है, फिर है प्लस का सी टू वी टू का स्क्वेयर, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा सी वन प्लस सी टू, ध्यान से करना। ठीक है, माइनस अभी आ गया, अब देखो ये वाली चीज़ को डिवाइड होगी तो कितना आएगा, वन ही आने वाला है, तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये वन से मल्टीप्लाई होगी यही आ जाएगी टर्म, तो ये क्या है टर्म, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वेयर, ये है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो वन बाई टू ये है ही है, अब देखो सी वन वी वन स्क्वेयर को सी वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सी वन का स्क्वेयर बन जाएगा यहाँ, तो सी वन का स्क्वेयर वी वन का स्क्वेयर तो था ही, सी टू को इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का आ जाएगा ये सी वन सी टू वी वन का स्क्वेयर, सी टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो सी वन सी टू वी वन का स्क्वेयर, क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही प्लस सी टू सी वन ये वाला आएगा, ठीक है, इसको सी वन सी टू भी लिख सकता हूँ मैं, सी टू सी वन भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी टू सी वन वी टू का स्क्वेयर प्लस, और सी टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी टू का स्क्वेयर और वी टू का स्क्वेयर तो है ही है, क्लियर है बात? अब देखो माइनस, अब ये वाली टर्म जो है देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ से समझो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो ये वैसे ही लग रहा है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे लिखता हूँ मैं सी वन वी वन, ठीक है, इस पूरे का स्क्वेयर था तो दोनों का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस इसका भी स्क्वेयर, तो सी टू वी टू दोनों का स्क्वेयर है स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब टू इंटू में डिस्टम डिस्टम, तो क्या आएगा देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू सी वन वी वन और सी टू वी टू, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरी ब्रैकेट बंद, ठीक है, और नीचे इन सब के क्या है हमारे पास सी वन प्लस सी टू है, बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, अब देखो आगे ये वन बाई टू है एज इट इज़, इसको सॉल्व करते हैं, देखो सी वन का स्क्वेयर वी वन का स्क्वेयर प्लस सी वन सी टू वी वन का स्क्वेयर प्लस सी टू सी वन वी टू का स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू इनका स्क्वेयर, ठीक है, माइनस देखो ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, तो ये आ जाएगा सी वन वी वन का स्क्वेयर, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा सी टू वी टू इसका भी स्क्वेयर, और ये वाला भी हो जाएगा माइनस का टू सी वन वी वन सी टू वी टू, दिख रहा है ये? ठीक है, अकाउंट में देखो ये ना, एक तो ना आप लोग ना जब वीडियो देखते हो ना कई बार ब्लर हो जाती है वीडियो, तो आप वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोग अपने यूट्यूब जो यूट्यूब पे वीडियो की जो सेटिंग होती है उसमें जो है पिक्सल 480 पे सेट किया करो, ठीक है, तो वो साफ़ हो जाएगी वीडियो, क्लियर। तो ये सी वन है प्लस सी टू है, ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है,
देखो सी वन वी वन का स्क्वायर ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। और देखो क्या चीज़ हो सकती है, सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ से, देखो बचा क्या यहाँ से, वन बाय टू ये बचा, सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू सी वन वी टू का स्क्वायर, और इधर से ये बचा है हमारा क्या है, ये माइनस का टू सी वन वी वन सी टू वी टू, ये बचा है। ठीक है, और अपॉन में क्या है, मैं छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसमें नीचे, सी वन प्लस सी टू। ठीक है, अब क्या करें हम इसमें, सोचो। देखो यहाँ से हम सी वन सी टू कॉमन ले लेते हैं, देखो सी वन सी टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, और सी वन सी टू इसमें भी है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो वन बाई टू सी वन सी टू, और नीचे इसके लिख लेते हैं सी वन प्लस सी टू। अब यहाँ जो बचा है वो देखो क्या है, यहाँ जो बचेगा इसमें बचेगा वी वन का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वी टू का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का टू वी वन वी टू। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है आपके पास वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ये होता है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, और ए बी क्या है यहाँ, वी वन वी टू, तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास जो आया है लॉस ऑफ एनर्जी, इसको मैं एल ई लिख लेता हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी ये आया है हमारे पास वन बाय टू सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, और ये बन गया हमारे पास यहाँ वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, तो ये आ गई लॉस ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो, ये आ गया हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर है। अब देखो ये तो लॉस ऑफ एनर्जी दोनों के केसेस का आ गया ये वाला, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर स्पेशल केस भी किया था, अगर याद हो आपको, कॉमन पोटेंशियल में भी स्पेशल केस किया था जिसमें सी टू अनचार्ज हो जाए, ठीक है, तो इस वाले केस में भी लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे कि जब सी टू अनचार्ज है तो क्या रहने वाला है, तो देखो वो भी बहुत ईजी है, यहीं पर कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा तो कंजेस्टेड हो गया है लेकिन ध्यान से नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो हम स्पेशल केस यहाँ करते हैं, स्पेशल केस क्या है हमारे पास, इफ़ सी टू इज अनचार्ज, तो अगर ये अनचार्ज है तो इसका मतलब क्या होता था हमारे पास, वी टू ज़ीरो, तो वी टू अगर ज़ीरो है तो देखो यहाँ से अगर वी टू ज़ीरो हो जाए तो क्या आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी वन बाय टू सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, तो वी टू ज़ीरो है तो वी वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि वी वन का स्क्वायर बचा सिर्फ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी वन का स्क्वायर, तो ये आ गया स्पेशल केस में लॉस ऑफ एनर्जी, कब, जब हमारे पास कैपेसिटर टू अनचार्ज है, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बातें आपको, ध्यान से इसको नोट कर लेना, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अपने लॉस ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है, और डेरिवेशन भी ध्यान से कर लेना, ठीक है, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।